नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को स्वस्थ चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, हम जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले 6 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, हम स्पीकर और विपक्षी विधायकों से बाढ़ सूखे के मुद्दे पर चर्चा करने की अपील करेंगे। जनमानस से, आम जनमानस से जुड़ी भी समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो वो हमारे पास आ सकते हैं और सरकार चर्चा करने और बहस करने के लिए तैयार है। यदि विपक्षी लोगों के हित के लिए सकारात्मक चर्चा चाहता है तो सरकार उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आवे, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने और उस पर बहस करने के लिए तैयार है। हम लोगों का तो पहले से ही मन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है, कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है, ये किसानों से, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर सकारात्मक चर्चा करें। अगर नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तब विवाद करेंगे, हो हल्ला करेंगे, और एक जनहित में अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जहां तक कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का सवाल है तो मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं, इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है। जहां तक कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। वही एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने लंबा समय हाजीपुर की सेवा के लिए बिताया है, एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं हाजीपुर के लोगों का वैसा ही ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता रखा करते थे। मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और उनका गठबंधन जिस पार्टी के साथ है, वे अपराधियों को संरक्षण देने वाले माने जाते हैं। जो सरकार अपराधियों को संरक्षण दे वो अपराध पर नियंत्रण पा नहीं सकती है। ये सांसद होने के नाते जरूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी माँ माना, एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि
कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है तो उनका बनता है। मेरे मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और जिसके साथ वो गठबंधन में हैं, वो लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग माने जाते हैं। तो जो दल, जो सरकार, जो गठबंधन अपराधियों को संरक्षण दे, वो अपराध पे नियंत्रण पा ही नहीं सकती, वो अपराध को कभी नियंत्रित कर ही नहीं सकती। और यही कारण कि आज की भी तारीख में बिहार में अपराध थमने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि आज हम खड़ा होना ही पड़ेगा, हमें ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उन्हें जवाब देना होगा। आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पोर्ट पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे तीसरे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे तीसरे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। समय आप आए हो, जाम की स्थिति थी, इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा तो फायदा किसको। ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, जनता के मुद्दे उठाने का समय नहीं है सपा के पास, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं पर इस दौरान जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि सपा के पास जनता के ज्वलंत मुद्दे उठाने का समय नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता की समस्या से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए ज्वलंत मुद्दों पर, उस पर ध्यान नहीं है। 40 जिले में किसान की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, उनको पानी की समुचित व्यवस्था कैसे हो इस पर लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, उस पर लड़ना चाहिए कि यहाँ कैसे निजात मिले। बाढ़ नहीं रखा है, मुख्यमंत्री भी तो बहस करने के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे चर्चा हो, सुझाव आवे अच्छे, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब सभी विधायकों की तरफ से सुझाव आते हैं तो अच्छी चीज़ें छन के आती हैं। जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड में जल रहे हैं, आकाशीय बिजली के दबाव में जल रहे हैं, तो वो कैसे बेहतर किया जाए इस पे चर्चा हो। नहरों का पानी अगर टेल तक नहीं पहुंच रहा है, हेड में शुरू है अपनी पूरी क्षमता से लेकिन टेल तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो वहां कैसे पहुंचे इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। शायद ये भी कह रहे हैं कि इस बार टमाटर पे खूब चर्चा होगी, 300 के पार पहुंच चुका है। वो तो क्रिकेट खेलते हैं सदन में, वॉलीबॉल खेलते हैं, कार्टून बनाते हैं, यही ना करते हैं। आप लोगों के सामने उन्होंने खेल वही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 2021 में हमने म्यूजिकल्स को बेनकाब किया था, जिस कैसे विदेशी दुष्प्रचार भारत के खिलाफ है। इस भारत विरोधी अभियान में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके समर्थन किए थे। चीनी कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से म्यूजिक्लिक को फंडिंग कर रही थी, लेकिन उनके सेल्समैन भारत में कुछ लोगों के साथ थे जो उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर उनके समर्थन में आ गए थे। और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन
अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई नेविल रॉय सिंघम को, चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ, ऐसा किसने कहा, जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं उन्होंने ही पुष्टि की है, पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बेहद विवादित बयान दिया है। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान छीन भी लेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर धमकी देते हुए कहा कि जो भी भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने से हम नहीं हिचकेंगे। विजयवर्गीय रतलाम के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सैलाना और रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है, हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा संकल्प। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले काफी दिनों से छात्रों के 2 गुटों में विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए और जमकर दोनों गुटों में मारपीट हुई, गोलियां भी चली। इस मारपीट में एक विकलांग छात्र सहित करीब 10 से 12 छात्र घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिनांक 7/8/23 को थाना विजयगढ़ से एक विद्यालय में बच्चों के बीच झगड़े की सूचना प्राप्त हुई, जिसको विद्यालय के कुछ कर्मचारियों ने बढ़ावा दिया। आक्रामक पक्ष के 10-11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विद्यालय प्रशासन की ओर से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। झगड़े में शामिल शेष अन्य व्यक्तियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा, विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। दिनांक आज सुबह प्रेयर के बाद फर्स्ट पीरियड चल रहा था, लगभग 7:30 बजे का टाइम था, 7:25 के आसपास। उसी दौरान हमारे कॉलेज के कर्मचारी आते हैं और कुछ बाहरी अराजक तत्व कुछ देर बाद आ करके और वो अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके बच्चों के साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं। सर बरौट के लौंडे 19-20 लौंडे थे, आतकत फायरिंग छोड़िए 6 या 7 कट्टे चलाएं और राइफल एक बड़ी वाली और 4 छोटे कट्टे और एक लड़की के कान पर कट्टा रख दिया है, वो लड़की होगी गैरोस, ठीक है। और फिर मारपीट करिए हमारे गांव के लौंडे के, जहाँ पामरा लगा एक का और हाथ पैर में लगी है, खूब चोट है, मतलब स्टूडेंटों के मारी है। घायल शायद 8 या 9 का है, 8 और आधे तो घर चले गए, लग गए सो डर के मारे। विवाद क्या था इनमें? विवाद कुछ नहीं, ये सर पहले से इनकी प्लानिंग थी जैतपुर और बरौट बुरागढ़ी के जो लौंडे थे, कौन सा किस बात को लेकर? ठाकुर हैं ये। किस बात को लेकर? सर मुझसे खाली लंगड़ा कही थी उसने, मैंने इनसे कही इनने बस 2-3 लौंडे वैसे ही मारपीट कर दी, फिर हमने पीटीआई सत्य किया, सर नहीं कोई बात नहीं, मतलब मामला वो हो गया कैंसर, कोई बात नहीं, लड़ाई पढ़ाई का फिर कोई वही ड्रामा नहीं, 6 या 8 घंटा पढ़ाई हम खूब आराम। पूर्वांचल के सभी जिलों में गंगा में बाढ़ आ चुकी है। कहीं गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है तो कहीं गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन आखिरकार सतर्क क्यों नहीं है? गंगा में नाव संचालन तो रोक दिया गया है, लेकिन बढ़ी हुई गंगा में बच्चों और युवकों द्वारा जल क्रीड़ा और स्टंट करने पर आखिर प्रशासन मुस्तैद क्यों नहीं दिख रहा है? गंगा का जल
स्तर प्रति घंटे तेजी से बढ़ रहा है। गंगा से सटे हुए तराई क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट है, घंटी अलर्ट की घंटी भी बज चुकी है ताकि समय रहते ग्रामीण वहां से हट सके, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। इसलिए गंगा घाटों पर देखा जाए तो पुलिस ड्यूटी लगाए जाने चाहिए। गंगा घाटों पर कोई भी पुलिस के जवान नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में युवाओं को घाट पर बढ़ती गंगा में ऊंचाई से छलांग और स्टंट लगाना जान से जोखिम में भरा हुआ है। बच्चों और युवाओं द्वारा बढ़ी हुई गंगा में छलांग लगाकर खतरनाक स्टंट बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वही अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां शासन का उद्देश्य है कोई भी बच्चा गर्भवती महिला टीकाकरण से ना छूटे। इस उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष 7 से 12 अगस्त के बीच पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन ने अकबरपुर तहसील क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय कृपालपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है, यह बच्चों और महिलाओं को कई भी गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचाता है। आपको पता ही है कि प्रदेश सरकार निरंतर इसी प्रयास में है कि किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसके लिए सारी सुविधाएं मिल सके, और इसी क्रम में आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन जिसको टीकाकरण बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि कोई कई सारी जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। इसी क्रम में जो बच्चे, मेरी अपील है आपके माध्यम से कि जो भी बच्चे 0 से लेकर 5 साल तक जो भी बच्चे हैं, 5 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं जिनका कोई भी टीका किसी भी कारण छूट गया हो, वो अवश्य 7 से 12 के बीच में अपनी आशा और एएनएम से संपर्क करके छूट। वहीं बिजनौर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए बिजनौर डीएम ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के क्लासों को बंद करने का आदेश दिया है और आदेश का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं बिजनौर के थाना रेहर क्षेत्र के गांव नारायण वाला इलाके में बड़े गोदाम में विशाल अजगर मिला है। जैसे ही इसकी खबर लोगों को मिली, गोदाम पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक अजगर 12 फीट का बताया जा रहा है। अजगर की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे अमानगढ़ के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। वहीं बुलंदशहर शहर में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जेवर मार्ग पर सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में युवक का शव मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बड़ेजा कला गांव निवासी जुनैद के रूप में हुई है। कन्नौज में तिरवा के फगुहा कट के पास पैसा न देने पर कार सवार दबंगों ने पिस्टल लहराई और पिस्टल दिखाकर पान मांगा। दबंग खुद को एसओजी का बताकर हनक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपहरणकर्ता को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही वैगनार गाड़ी को भी पकड़ लिया है। पुलिस को वैगनार गाड़ी और बदमाशों की तलाश पिछले 12 घंटे से थी, जिसे बिलारी पुलिस ने बिचौलिया कुदरकी रेलवे फाटक के पास आता देख घेराबंदी कर बदमाशों की पकड़ने की कोशिश की और बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक ASI घायल हो गए थे और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। अपहरण हुआ था मुरादाबाद से, और हमारी पुलिस, पूरी पुलिस, मुरादाबाद पुलिस, बिलारी पुलिस, जितने भी सर्विलांस वगैरह थे, उन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। तो हम लोगों ने सोचा कि इस टीम को सम्मानित किया जाए, और सम्मानित इसलिए किया जाए क्योंकि जब हम इन्हें सम्मानित करेंगे तो दूर तक संदेश जाएगा और इनके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं और मेहनत से और आगे बढ़। बुलंदशहर में मिठाई का पैसा मांगने पर मिठाई विक्रेता के साथ मारपीट की गई। मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के शिवाली गांव का है, जहां मिठाई की दुकान पर समोसे और कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने पर दुकानदार के साथ मारपीट की गई। वहीं पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
वो बोले जो इंजर्ड थे सभी का मेडिकल करा के और सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया है। अपराधी जो भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार दबिश दी जा रही है। दो टीमें इसमें मैंने बना दी है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके इस मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद माननीय न्यायालय से उनके गैर जमानती वारंट, उनके पास 82, उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 19 निरीक्षकों को ऑनरेरी डीएसपी बनाया जा रहा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इंदौर मिला के 27 साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। ये सभी साइबर कंसल्टेंट जो है, जो साइबर की घटनाएं घटित हो रही हैं, आप सबको भी विदित होगा, इन वर्तमान में जो तेजी के साथ में साइबर क्राइम बढ़ रहा था उसको देखते हुए इन अपराधों पर रोकथाम के लिए, नियंत्रण रखने के लिए ये सरकार इस तरह का साइबर कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है। डिंडोरी जिला है और डिंडोरी जिला में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए एक अनुभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय अजाक का सृजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत थाना बजाग, समनापुर, करजिया को शामिल किया जा रहा है और मुख्यालय बजाग होगा। गजब है कमलनाथ जी का भी, ये घोषणा ही करते रहे 15 महीने में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी घोषणा करवा दी थी 10 दिन में कर्जा माफ की। कमलनाथ जी काम करने को तो घंटे ही काफ़ी होते हैं, उन्हें तो राहुल गांधी जी ने 10 दिन दिए थे। आप घोषणा ही करते रहे, एक को भी अवकाश नहीं दिया। घोषणा ऐसी होती है जिस शिवराज सिंह जी ने की है, इधर घोषणा की उधर PHQ से आदेश निकला और अवकाश पर हमारे पुलिस के जवान चले भी गए। ये काम होता है ऐसे करके दिखाते। एक का भी 2,10,000 में कर्जा माफ़ नहीं किया, किया हो तो TV के सामने लाओ, तो किसी बेरोजगार को भत्ता दिया हो तो TV के सामने लाओ। तो कमलनाथ जी, सरकार चलाने और मुंह चलाने में फ़र्क होता है। ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है, सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उनने कहा था। और अचंभा यह है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया, आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं, उनने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, आप वहां जा रहे हैं धार के पास झाबुआ बुआ जी जमुना देवी की कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, सुभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, दलवीर सिंह जी की, और अभी स्वयं उमंग सिंगार आपके सताए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं और ये उदाहरण आपके सामने। NIA ने जैसी जानकारी दी गई है, 11 जगह पर अलग अलग स्थानों पर उन्होंने दबिश दी है और पूछताछ के लिए लोगों को लिया था हिरासत में, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया है नोटिस दे करके, बाद में बुलाएंगे संभवतया। अभी इतनी ही जानकारी है, बाकी की जानकारी NIA देगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।